कांग्रेस की कुनीति से, देश में आतंक और अराजकता से ऐसा कालखंड गया, अराजकता को इतना बढ़ावा मिला, आजादी के समय राष्ट्र निर्माण का जो जज्बा था वो कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में कुचल करके रख दिया। कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही हो या फिर राज्य में, उसने हमेशा भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण एक के बाद एक कई राज्यों से कांग्रेस साफ होती चली गई, नामों निशान मिट रहा है। एमपी में भी दो दशक हुए हैं, ये कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है। कांग्रेस के पास विजन के नाम पर सिर्फ विरोध और विभाजन है, और जहां विभाजन होता है वहां विजन संभव ही नहीं होता है। जबकि भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रही है, भाजपा राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर काम कर रही है, जिन क्षेत्रों में जिन वर्गों को कांग्रेस ने पूछा तक नहीं, उनको पहली बार भाजपा ने ही राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी दी है। भारत की इसी सामूहिक शक्ति के कारण भारत और भारतीयों का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ भारत भारत जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लैंड में भी भारत भारत होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा कल इंग्लैंड में दिवाली मनाई जा रही थी, दिए जलाए जा रहे थे। दुनिया में हर जगह पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। आपको गर्व हो रहा है? आपका माथा ऊंचा रहा है? ये दुनिया में भारत का नाम क्यों ऊंचा हो रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है? आपका जवाब सही नहीं है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है जिसने मजबूत सरकार बनाई और उसके कारण हुआ है। ये आप लोग हैं जिन्होंने देश हित में कड़े और बड़े फैसले लेने वाली भाजपा की मजबूत सरकार बनाई है, और यही बात कांग्रेस को पिछले 10 साल से पच नहीं रही है। जिस मोदी को ये दिन रात गाली देते हैं, वो ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है, यही बात कांग्रेस को खल रही है। इसलिए कांग्रेस देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने न जाने किस किस से गुप्त समझौते किए हुए हैं।
विदेश के जो लोग खुलेआम भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, कांग्रेस अब उनके साथ खड़ी नजर आती है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस देश के लिए सिर्फ समस्या पैदा करना जानती है, उसके पास कोई समाधान नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे कि ईमानदारी से शासन चलाना चाहिए, देश में राम राज्य लाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया और दूसरी तरफ भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया। हमारे बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि गरीब से गरीब को, हर वंचित को सम्मान का जीवन मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इसका भी उल्टा ही किया। आजादी के इतने दशक तक गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी छोटी छोटी जरूरतों के लिए सरकारों पर आश्रित रहा, मोहताज रहा। मैं आपको पीएम आवास योजना, शहरी ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूं, शहरी पीएम आवास योजना का एक उदाहरण देता हूं। भाजपा को जिताएंगे, फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी को मजबूत करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।